24, मैं हूं प्रिया पांडे आपके साथ। आज की बुलेटिन की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, यूपी पुलिस विभाग से 9 आईपीएस होंगे रिटायर्ड। दिसंबर जनवरी में सबसे ज्यादा अफसर होंगे रिटायर्ड, एक डीजी, दो एडीसी, डीआईजी और एसपी होंगे रिटायर्ड। प्रयागराज के एडीजी प्रेम प्रकाश दिसंबर में होंगे रिटायर्ड। सीडीसीआईडी में तैनात एडीजी दावा शेरपा होंगे रिटायर्ड। फूड सेल में तैनात डीआईजी दयानंद मिश्रा होंगे रिटायर्ड। डीजी को ऑपरेटिव सेल जीएल मीना जनवरी में होंगे रिटायर्ड। डीआईजी स्पेशल एक्वायरी स्वामी प्रसाद जनवरी में होंगे रिटायर्ड। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से आ रही है, जहां मैनपुरी समाजवादी पार्टी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जिस तरह से प्रशासन की मदद को समाजवादी को हार दिलाने का काम किया है, लेकिन मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि यह मैनपुरी समाजवादियों और नेताजी की मैनपुरी है। जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव को भारी मतों से जीत दिलाई है, हम मैनपुरी की जनता का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। तो वहीं पर मीडिया से रूबरू हुए और मीडिया के सवालों पर कहा कि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि चौराहों पर कोई घटना होती है तो दूसरे चौराहे पर घटना कारित करने वाले आरोपी को धराशायी कर दिया जाएगा, तो वहीं पर पंजाब आतंकवादियों के सवाल पर कहा कि इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कहा कि सुब्रत पाठक ने कहा है कि खैनी बंद होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों के लिए कहा कि सड़े हुए आलू से बोदिखा बनाने का प्लांट लगाएंगे। कहा इंशन नदी पुल पर गोमती रिवर जैसा ड्रीम बनाएंगे, जिससे आने जाने वालों के लिए बैठने के लिए एक अच्छा स्थान हो सके। प्रेस वार्ता के दौरान और क्या कुछ हुआ, आइए देखते हैं। वो कैबिनेट से पास है और मैं आपसे कह रहा हूँ, आज यहाँ बैठ करके सभी हमारे विधायक सांसद बैठे हुए और आप अधिकार साथी मैनपुरी के हो। वैसे मैनपुरी में लखनऊ के बराबर ईसा नदी पे हम लोग रिवर फ्रंट बनेंगे जब हम लोगों को मौका, लखनऊ के बराबर, जिससे कि लगे कुछ मैनपुरी में घूमने की जगह है। बीजेपी को हर अच्छी चीज बुरी लगती है, वहां घूमते हैं लोग, नए उम्र के लोग बैठते हैं, चाट खाते हैं, केक बच्चे आके काटते हैं, परिवार के लिए गेट टुगेदर क्या है, आप घर पे जाए परिवार से मिले जाके, परिवार के लिए घुमाने ले चलो, तो कम से कम रिवर फ्रंट तो है। बीजेपी वालों को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि परिवार के लोग कहीं घूमने जाए। प्रयागराज के भारतीय क्रिकेटर फलक नास का चयन आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में हुआ है। यह अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी के बीच होगा। वहीं इससे पहले भारतीय टीम मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 मैचों की सीरीज खेलेगी। यह मैच प्रिटोरिया में 27 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। फलक दाएं हाथ की मध्यम तेज गेंदबाज और मध्यक्रम के बल्लेबाज है। फलक के कोच अजय सिंह ने कहा है कि फलक ने हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ मुंबई में हुए 5 टी20 मैचों की सीरीज पे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसी के कारण उसका चयन हुआ है।
पलक को स्पोर्ट्स टैलेंट एकेडमी में पिछले 6 साल में अजय सिंह ने ही प्रशिक्षण दिया है। पलक के पिता नासिर अहमद एक स्कूल में चपरासी का काम करते हैं, जबकि माँ जिन्नत बानो गृहिणी है। फलक की एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई भी है। फलक के पिता ने आर्थिक तंगी के कारण बेटी के सपने को पूरा करने के लिए ओवर टाइम तक काम किया है। फलक ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कोच और अपने माता पिता को दिया है। उसका सपना आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में बेहतर प्रदर्शन करना और भारतीय टीम में जगह बनाना है। हर फील्ड में होता है तो इसमें भी मुश्किल सहा है, हर तरह की मुश्किलें सही है। और जैसा कि इसने कहा, मुश्किल पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया है, वैसा हम लोग भी इसको सपोर्ट करते ही रहे हैं और मोटिवेशन करते ही रहे हैं। कभी ऐसा लगा हो कि बच्ची है नहीं कर पाएगी, अब छोड़ दो रहने दो, ऐसा लगा कभी? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं लगा है। इसको तो खेलती ही गई, इसको कभी टाइम भी नहीं मिलता कि कुछ और सोचे। क्या नाम क्या लिखते हो आपने? जीनत बानो। बताना जो हमसे आप कह रहे थे, किस चीज़ ने आपको नाच को यहाँ तक ले जाने के लिए इंस्पायर किया? कि वो ये खेल रही थी उस समय, नई नई सरकार मोदी जी की आई, ये सीख रही थी। तो मोदी जी का जो बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी खिलाओ, उसी को मेरे दिमाग में भी आ गया और उस पर इनका जुनून, तो बस हमने लग गए कि ये पढ़ाई तो करती है, अभी ये कि इसका इंटर फाइनल है, पढ़ाई तो करती है लेकिन ये खेल में ज़्यादातर 80% ये खेल में दिया। नाज बेटा, ये बताओ कि आपका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा? शुरुआत में कैसे सोचा आपने कि नहीं, दूसरे बच्चों की तरह हमको पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, स्पोर्ट्स में जाना है? ऐसा कुछ सोचा नहीं था, पढ़ने को ही सोचा था। पढ़ाई में बचपन में अच्छे थे, बट बीच में खेलने का शौक आ गया तो खेलते थे। सरडेला क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार को चिन्हित व्यापारियों की जांच करने पहुंची वस्तु एवं सेवा टीम की भनक लगते ही व्यापारियों में दहशत का माहौल बन गया। झड़झड़ की गड़गड़ाहट से पूरे नगर की दुकानों में शटर गिराकर दुकानें बंद कर दी गईं। व्यापारी स्थानीय पूरे सदर बाजार रोड पर छावनी में तब्दील हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरडेला नगर के व्यापार मंडल के आला पदाधिकारियों की दुकानें और पूरे नगर का सर्राफा बाजार, सिलाई मशीन, किराना स्टोर, सब्जी मंडी में कॉस्मेटिक्स की दुकान व अन्य सभी दुकान बंद देखने को मिला। टीम की दहशत का माहौल बन गया। पूरे नगर की दुकानें फटाफट बंद हो गईं और समस्त व्यापारी मुख्य बाजार से मुख्य चौराहे तक की सड़कों पर आ गए और घूमकर नजारा देखने लगे कि कहां टीम आई है और कहां नहीं। व्यापारियों में दहशत का माहौल बन जाने के कारण फिर से दुकानें बंद की बंद ही रही। घंटों बाद व्यापारियों के राहत की सांस लेते हुए पुनः दुकानें खोली। जानकारी सूत्रों की माने तो सीतापुर पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के आदेश पर आम जनमानस में सुरक्षा की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के आदेश के अंतर्गत आज दिनांक 10/12/2022 को अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एनपी सिंह के निकट पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के नेतृत्व में थाना सदरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 5/12/2022 को ग्राम बनकट्टी मजरा अफसरिया हुसैनपुर में हुई हत्या की घटना के प्रकाश में आए अभियुक्त रमाकांत पुत्र पृथ्वी निवासी ग्राम बाबूपुर थाना महमूदाबाद जनपद सीतापुर को ग्राम बिरोली में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। अभियुक्त की निशानदेही पर मृतिका उर्मिला उपरोक्त को 1 अदद मोबाइल व घटना में प्रयुक्त उन्हीं सील बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त रमाकांत उपरोक्त व मृतिका को आपसी संबंधों में मनमुटाव के चलते दिनांक 5/12/2022 को अभियुक्त द्वारा गला दबाकर मृत्यु कारित कर दी गई थी। अभियुक्त का चालान कर न्यायालय भेज दिया गया है। जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 5/12/2022 को एक घटना हुई थी जिसमें एक उर्मिला नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी और सड़क के किनारे डेड बॉडी को फेंक दिया गया था। मौके पे हम सभी लोग, हमारे एसएसपी महोदय, हम लोग निरीक्षण घटना से किए थे और जो परिजन थे, जो महिला के ससुर थे हरदौरा, उन्होंने अपने भाई के लड़कों को नामजद किया था, उमेश और उत्तम को। हम लोग उनको थाने पे लाए, उनसे हमारी बातचीत हुई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया घटनास्थल पर जाने के बाद कन्फर्म हुआ था कि हत्या उन लोगों ने नहीं की है, बल्कि हत्या का मोटिव कोई और है। उस हत्या के सही खुलासे के लिए हमारे एसएसपी महोदय ने हमारे सीओ अहमदाबाद नेतृत्व में शॉर्ट सर्विलांस की टीम एसओ को लगा रखा था। उसमें जानकारी हुई कि एक लड़का रमाकांत है, जो बगल के गांव बाबूपुर का है, वो उस महिला से उसके प्रेम संबंध थे और रात में उस महिला से वो मिलने आया था।
जब हमारी पुलिस की टीम उस लड़के के पीछे पड़ी तो लड़का उसी दिन 5 तारीख को ही, चूंकि पूर्व से ही हमारे दूसरे थाने के मुकदमे में चोरी में वांटेड था, वो तत्काल न्यायालय में आया और न्यायालय से ही वो जेल चला गया सरेंडर करके। हमारी जो पूर्व विवेचक थे उनसे हम लोग रब्ता कायम किया बगल के मुहम्मदाबाद थाने के, उन्होंने जाकर के इसका बयान लिया और उस बयानों में बताया कि हमने वाहन चोरी नहीं की है बल्कि हत्या मैंने की है। तो हमने पूर्व मुकदमा जो थाना मोहम्मदाबाद का वाहन चोरी का था उसमें एफआईआर लगवाया उसमें, और इसके खिलाफ कॉन्स्टेबल की रिपोर्ट कोर्ट में गई। ये जब पुनः जेल से छूट के इनको हम लोगों ने हिरासत में लिया, इन लोगों से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने पूरी घटना बताई कि चूंकि वो महिला हमसे उम्र करीब 10-15 साल बड़ी है, मैं 1.5 बरस पहले, चूंकि विडो है उसके हस्बैंड नहीं है, मैं उनके घर पर राखी बेचने गया था तो वो महिला से हमारे प्यार के संबंध हो गए और हम लोग अपना आपस में बातचीत करने लगे। मुझे ये शक हो गया था कि ये महिला किसी अन्य से बात करने लगी है, इसीलिए 5 तारीख की रात में हम उससे मिलने गए थे और मैंने उससे पूछा कि तुम किससे मिलती हो। उसने इस बात को नहीं बताया बल्कि हमारे साथ मारपीट कर दिया उसने। इसी गुस्से में मैं महिला के ऊपर चढ़ गया, उसकी मैंने गला दबा दी, उसकी हत्या हो गई और मैं डर गया। फिर मैं तत्काल कचहरी भाग के आ गया। वो पूर्व से चूंकि ये वांटेड चल रहे थे इस केस में, नामजद थे वाहन चोरी में, तो सेम डे हत्या करने के 5 घंटे के अंदर ही ये कोर्ट में सरेंडर करके जेल चले गए ये। और चूंकि इसमें इस घटना की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसमें 2 निर्दोष लोग जो मृतका के सगे देवर या जेठ लगते थे उसी परिवार के थे, जो नामजद थे और लोगों ने एक आई विटनेस भी बना दिया था इसमें, उनको हम लोगों ने इस केस से बरी किया है। और जो एक्चुअल कल्प्रिट था इसमें रमाकांत, जो उस महिला का प्रेमी था, उसे हम लोग गिरफ्तार के उसको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। खबर यूपी के बलिया नगर से, जहां पालिका में भावी प्रत्याशियों का चुनावी जनसंपर्क तेज हो गया है। अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी जीत की बात कर रहे हैं। आरक्षण का स्थिति साफ होते ही दिखने लगी है। चुनावी सरगर्मियां बलिया नगर पालिका परिषद में चुनाव की आहट होते ही प्रत्याशियों में होड़ मच गई है। सभी ने लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। गली गली में ढोल ताशा बजाकर वोट मांगना शुरू कर दिया। निकाय चुनाव के दावेदार जनता के बीच कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। एक दूसरे पर आरोपों का सिलसिला जारी है। आइए सुनते हैं नगर पालिका का भावी प्रत्याशियों ने क्या कुछ कहा। सड़क नाली वगैरह आपने ऐसा मतलब क्या बारिश में जो जल जमा रहता है अधिक ये जो है बारिश होता है तो यहाँ पे पानी पूरा लग जाता है, सब घरों में पानी जाता है, सब समस्या है। लेकिन मैं अपना जानती हूँ कि इस पद के लिए अगर हमें दिया जाए, हमें भी मौका अगर दिया जाए तो मैं इसको पूरा अच्छे से सुरक्षित कर लूँगी। आज तक व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए वो व्यवस्थाएं नहीं हुई, जैसे नाली सड़क तमाम प्रकार की समस्याएं आज तक सुलझी नहीं, उसके लिए हम लोग चुनावी मैदान में। ये अभी तक देखिए इनकी सोच है, रत्नावली देवी जी की सोच है कि मैं जैसे अपने परिवार को सहयोगी हूँ, ठीक उसी प्रकार पूरे नगर पालिका परिषद को सहयोगने का काम करूँगी। चाहे वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त अगर कोई भी समस्या आती हो, चाहे नाली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो, जो मूल समस्याएं हैं जो आज तक नहीं हुई उन समस्याओं के समाधान कर। पूरा बलिया जनपद जानता है कि हम विधायक का टिकट समाजवादी पार्टी से मांगते हैं, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। परंतु जो नगर पालिका इस चुनाव होने जा रहा है उसमें आरक्षण में नगर पालिका परिषद का चेयरमैन महिला सामान्य वर्ग का प्रत्याशी होगा। ऐसे में मैं अपनी पत्नी अनीता चतुर्वेदी को इस नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार के तौर पे समाज के सामने आ रहा हूँ। एजेंडा ये है कि नगर पालिका में की जो छवि रही है, जो साख हुआ करती थी, उसको वापस लाया जाए और सबको सम्मान दिया जाए और जो भय और भ्रष्टाचार का माहौल नगर पालिका में है, विकास शून्य है, उसको श्रद्धे जो विक्रमादित्य पांडे जी इस नगर के चतुर्थिक विकास के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिए, उनकी भावनाओं के अनुरूप इस नगर क्षेत्र का विकास किया जाए, विद्युत नाली सड़क
तमाम पेयजल की सुविधा ये पूरे जनता को मुहैया कराएगा जाया जाए, और श्रद्धे विक्रमादित्य पांडे जी के जो स्मृति है उसको नमन किया जाए, उनकी शहर में मूर्ति लगाई जाए, यही इन सब मुद्दों से। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नगर पालिका का सम्मान है उसको हम वापस बुलाएं, तो जिस तरह से पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। बहराइच के हुजूरपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर बेखौफ बदमाशों की दबंगई सामने आई है। जबरदस्ती तेल भरने से मना करने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मियों पर पिस्तौल तान दी। पूरी घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। आपको बता दें कि बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके के सहसलपुर स्थित भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ जिला संयोजक कुलदीप सिंह के नर्सिंग कमलेश पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों ने जबरदस्ती तेल भराने का प्रयास किया। जब वहां मौजूद कर्मियों ने विरोध किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर फायर करने का भी प्रयास किया, लेकिन शोर शराबा होने पर आसपास के लोगों के आ जाने से बदमाश भाग खड़े हुए। भाजपा नेता और पेट्रोल पंप के मालिक कुलदीप सिंह ने बताया कि ये बदमाश देर रात 12:30 बजे करीब पंप पर कार से पहुंचे और जबरदस्ती तेल भराने का प्रयास करने लगे। जब वहां मौजूद चौकीदार ने मना किया तो बदमाशों ने पिस्तौल निकालकर दागने का प्रयास किया और अन्य कर्मियों के आ जाने से शोर मचाते हुए भाग गए। मामले में हुजूरपुर थाने के SHO का कहना है कि FIR दर्ज कर दी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग कार पे सवार होकर आए थे, तेल जबरदस्ती लेने का प्रयास कर रहे थे, तो चौकीदार यहाँ पे था तो चौकीदार ने मना किया तो उन्होंने पिस्टल निकाल के उसे दागने का प्रयास किया और शोर सुन के कुछ कर्मचारी अंदर थे वो बाहर आ गए तो उनसे भी उलझ गए लोग, उनके ऊपर भी पिस्टल चलाने का प्रयास किए हैं और फिर उसके बाद शोर मचाते हुए निकल गए यहाँ से। क्या कोई कैश या कोई ऐसी लूट भी हुई है? न, कैश की कोई लूट नहीं लूटा गया है। जो लोग यहाँ आए थे उनकी कुछ पहचान हो पाई है? हाँ, गाड़ी नंबर नोट कर लिया गया है। आजमगढ़ के बड़ता थाना क्षेत्र अंतर्गत 29 नवंबर को गोली मारकर चैन छीनने की घटना के वांछित अपराधी 25,000 के नामिया अपराधी दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर निवासी गांव इरनी थाना बड़ता की पुलिस टीम के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें वह घायल हो गया। दाहिने पैर के घुटने व पिंडी में 2 गोली लगी है। उपचार के लिए जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया। एक अवैध 32 बोर पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस व 3 खोखा, लूटी हुई एक सुपर स्प्लेंडर बाइक व सोना बरामद हुआ है। बता रहे 10 नवंबर 2022 को मोहित चौधरी पुत्र जीतपाल चौधरी गांव व थाना मोरी नगर जिला गाजियाबाद अपने दोस्त अनु चौधरी 30 वर्षीय पुत्र ब्रिजवाल चौधरी मोरी नगर गाजियाबाद के साथ बर्दा थाना क्षेत्र बेला खास गाँव में अपनी पत्नी को लेकर साली की शादी में आया था। मंगलवार को दिन दोनों दोस्त क्षेत्र के गोढ़हरा बाजार अपने एक रिश्तेदार से मिलने जा रहे थे। जैसे ही आजमगढ़ जौनपुर मार्ग बाजार गोढ़हरा बाजार के पहले पुलिया के पास पहुंचे, पीछे से एक अपाची बाइक पर 2 बदमाश आए और मोटरसाइकिल को ओवरटेक करके रोक दिया, कट्टा निकाल कर सटा दिया। इसके बाद अनु चौधरी 30 वर्षीय पुत्र ब्रिजपाल चौधरी गाँव थाना मोदी नगर जिला गाजियाबाद के गले के सोने की चैन अंगूठी बाइक की चाबी निकाल लिए और जाते समय पैर में गोली मार दी जिससे यह जमीन पर गिर गया। साथ में दोस्त मोहित पुत्र जीतपाल चौधरी था जो बदमाशों के साथ हाथापाई देख दूसरी तरफ भाग गया था जिससे वह बच गया। 29 नवंबर को दोपहर 1 बजे लगभग थाना बरदा क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति को गोली मार के अंगूठी और चैन छीन ली गई थी, जिसके संबंध में थाना बरदा पर FIR नंबर 383/22 धारा 394 IBC पंजीकृत किया गया था। इसके अनावरण के लिए सिविल लालगंज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। आज इस घटना का अनावरण करते हुए मुख्य अभियुक्त दीपक राजभर पुत्र अरविंद राजभर को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर 3 राउंड फायर किए गए अपनी अवैध पिस्टल से। पर्याप्त चेतावनी के बाद आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें इसके दाहिने पैर में घुटने में और उसके नीचे 2 गोलियां लगी हैं। इसको इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल आजमगढ़ भेजा गया है। इस दौरान इससे लूटी गई अंगूठी, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो कासिमाबाद से लूटी गई थी, और कुछ कैश बरामद हुआ है। जो पूर्व की घटना में जो संपत्ति लूटी गई थी उसको बेच के इसने वो कैश लिया था, तो वो भी इसके पास से बरामद किया गया है। इसके साथ साथ इस घटना का अनावरण करते हुए 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है, कुलदीप उर्फ कवलदीप और अंशिका पुत्री मोलई, जो घटना में इनके साथ शामिल थे।
इस पूरे गैंग के पास से अभी तक एक पिस्टल, एक अवैध तमंचा, चार जिंदा कारतूस, एक सोने की चेन, एक अंगूठी सोने की, दो मोटरसाइकिलें जो अलग अलग जनपदों से पूर्व में लूटी गई हैं, एक मोटरसाइकिल जो घटना में इस्तेमाल की गई है, और लगभग 15,500 रुपये लूट के जो संपत्ति बेचकर इन्होंने अर्जित किए थे, ये इनके पास से बरामद किया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों को लगाया गया है। मंगरोल संयुक्त किसान संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के किसानों की मुख्य समस्याएं बीमा क्लेम व मुआवजे के साथ संपूर्ण कर्ज माफी, गौशाला निर्माण सहित कई मांगों को लेकर पिछले 9 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 18 ग्राम पंचायतों के 76 गांवों के किसानों को किसान महापंचायत तहसील कार्यालय मंगरोल पर हुई महापंचायत में बड़ी संख्या में शामिल हुए किसानों ने कहा कि केंद्र में सांसद के राज्य में कैबिनेट मंत्री होने के बाद भी जिले के किसानों की बीमा क्लेम व मुआवजे तक नहीं मिल पा रहा। किसानों को अपनी वाजिब मांगों को लेकर भी कड़कड़ाती सर्दी में न्याय मांगने के लिए सड़कों पर बैठना पड़ रहा है, जो सरकार व प्रतिनिधियों को किसानों के प्रति अमानवीयता को दर्शा रहा। पिछले 4 साल से किसान समस्याओं को लेकर कुंभकर्ण नींद में सो रहा। राजनीतिक दलों द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए यात्राएं निकालकर लाखों करोड़ों रुपए फूका जा रहा, मगर किसान समस्याओं पर चुप्पे साधे हुए हैं। जबकि 2018 के चुनाव में किसानों से की गई संपूर्ण कर्ज माफी, गौशाला निर्माण सहित सभी मांगे लंबित पड़ी हुई है। मंगरोल तहसील कार्यालय पर पिछले 9 दिन से बीमा क्लेम, मुआवजा सहित विभिन्न मांगों पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को लेकर किसान नेता सत्यनारायण सिंह शर्मा, धाकड़ छबड़ा, दुलीचंद मीना, सरपंच विक्रम चौधरी, राकेश मीना, भुवनेश मीना, राम नरेश मीना, महेश नागर, हरिशंकर मीना ने किसानों को संबोधित किया। वहीं धरने पर पहुंचे अधिकारियों द्वारा किसानों से वार्ता के बाद समस्या समाधान पर 7 दिन के आश्वासन पर किसान महापंचायत में जुटे किसानों की सर्वसम्मति से प्रशासन व सरकार को 7 दिन की चेतावनी के साथ धरना स्थल छोड़ते हुए कहा कि 7 दिन में किसानों को वाजिब मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो मंगरोल सिसवाली से गुजरने वाले सभी राजमार्गों पर किसान चक्का जाम करेंगे। किसान महापंचायत के समापन के बाद समिति संयोजक रामचंद्र मीना के नेतृत्व में 76 गांवों में बड़ी संख्या में आए किसान नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में उपजिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उपजिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री, प्रधान व प्रधानमंत्री के नाम पर मांग पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर मीडिया प्रभारी महावीर मुडली, जगदीश मऊ, राजेंद्र सुमन, सोनू मीना, महेंद्र मीना इत्यादि मौजूद थे। मामला थाना आलापुर के कस्बा ककराला का है, जहां पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक व्यक्ति ने इसका विरोध किया। पुलिस के समझाने के बाद व्यक्ति वहां से चला गया और कुछ देर बाद वो अपने भाई को साथ में लेकर आ धमका, जिसको मिर्गी आने की बीमारी है। उसके साथ अन्य लोग भी आ गए, कुछ लोगों तथा महिलाओं को लेकर रोड जाम कर दिया जिसको लेकर पुलिस ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सूचना पाकर SSP डॉक्टर OP सिंह भी वहां पहुंच गए और स्थिति को काबू में किया। पुलिस ने धरपकड़ अभियान चलाते हुए लोगों की गिरफ्तारियां शुरू कर दी है। ADG व IG आज वहां पहुंच गए और स्थिति का जायजा लिया। डोडा कारोबारी नजमुल व के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके बदायूं स्थित लॉन पर बुलडोजर चलाया और डोडा माफिया को भी हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया है। बहरहाल घटना में इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। SSP ने बताया कि कई लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 28 लोगों को नामजद करते हुए 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही और व्यक्तियों की गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रतिदिन शाम को पैदल गश्त और उसके बाद संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग होती है। आज ककराला में भी क्षेत्राधिकारी दातागंज के नेतृत्व में इंस्पेक्टर आलापुर और क्षेत्राधिकारी दातागंज ने पैदल गश्त की और उसके बाद गाड़ियों की चेकिंग विभिन्न स्थानों पर शुरू की। इस चेकिंग में एक गाड़ी रोकी गई तो उसने पुलिस पार्टी से विरोध किया कि चेकिंग क्यों कर रहे हो, तो इन लोगों ने कहा, चेकिंग का कारण बताया कि हम लोग शाम को संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हैं। इस पर वो पुलिस वालों से भिड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको समझा बुझा करके वहाँ की पुलिस फोर्स ने उसके घर वापस भेज दिया। इसके बाद उसने स्थानीय अपने घर की महिलाओं और अन्य लोगों को बरगला करके यहाँ पे चौराहे पे अपने एक भाई जिसको मिर्गी आती है,
उसको ला करके यहाँ पे लिटा दिया, वो चेकिंग में नहीं था, उसकी चेकिंग भी नहीं हुई थी और यहाँ पे कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास किया, रोड पे जाम कर दिया। पुलिस बल ने आकर के मौके पे समझाया, लेकिन उसी दौरान जब इन लोगों से वार्ता की जा रही थी, इनको समझाया जा रहा था, इन लोगों ने पुलिस बल पे पथराव शुरू कर दिया। इसमें क्षेत्र अधिकारी दातागंज की गाड़ी और इंस्पेक्टर हजरतगंज की गाड़ी टूट गई है, डैमेज हुई है, कई पुलिस वालों के पत्थर लगे हैं। इसके बाद पुलिस ने जनपद से अन्य पुलिस बल SPCT और COCT आदि मौके पे आए और लोगों को तितर बितर करके उनके घरों में वापस भेजा गया है। मौके पे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति शांति बनी हुई है और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इन लोगों ने पत्थर फेंके हैं और वहाँ CCTV फुटेज लगे हैं, थाना आलापुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। CCTV फुटेज को देख करके जिन लोगों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया है उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद से आ रही है। बांदा ने किसानों को खाद न मिल पाने की वजह से आक्रोशित किसानों ने सड़क को किया जाम। बांदा फतेहपुर टांडा राजमार्ग पर किसानों ने जाम लगाया। सड़क पर बैठे किसानों की वजह से आवागमन ठप हो गया। किसानों ने खाद वितरण प्रणाली पर लगाया लापरवाही का आरोप। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों का कतार बहुत लंबा लगा हुआ था। जाम की सूचना पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार वाला अधिकारी किसानों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत तिंदवारी रोड मंडी समिति बांदा का है। तुम्हारा कहां से आई? करहिया से। कब से भटक रही है? खाद नहीं मिल रहा। कब से नहीं मिल रहा? परसों से भटक रहे हैं। खाद नहीं मिल पा रहा। आज है खाद नहीं है? बोलते हैं कि है नहीं है, लेकिन गोदाम खोल के दिखावे है नहीं है। ऐसे करते हैं बार बार कि खाद नहीं है, खाद नहीं है। ऐसा क्या है गोदाम में? मगर क्या गोदाम खोल के दिखा दे, जनता को कह देते कल बटेगी या नहीं बांटते हैं। फिर बांटे नहीं रहे। अच्छा खाद नहीं मिल रही तो आप लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? खेत सुखा रहे हैं, गल्ला जो बोएगा तो सूख रहा, पानी के बगैर खाद डालना है। अच्छा तो अभी जाम भी लगाए थे आप लोगों ने? कोई रिश्ता नहीं हो रहा, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है? क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। क्या है आप? केंद्र प्रभारी। केंद्र प्रभारी, ये बताइए खाद नहीं मिल रही क्या? खाद आ रही है, अभी परसों तक बांटी गई है, कल थोड़ी अव्यवस्था हो गई जो नहीं आ पाई है। खाद नहीं तो अभी मंडे को कहा गया है कि मंडे को बांटी गई। खाद है कि नहीं? अभी खाद नहीं। खाद नहीं है बिल्कुल? नहीं। किसान लाइन लगाए हैं तो इनको क्या आश्वासन दिया? सोमवार तक मिलेगी खाद, सभी को मिलेगी। अगर हो जाएगा संभवतः आज भी आ जाएगी तो आज भी कोशिश की जाएगी बांटने। फिलहाल आज खाद नहीं है? फिलहाल आज अभी नहीं है। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform and transform. Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem.
With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, it's 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's number one producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flatted factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure, and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a trillion-dollar economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे आपके साथ, आप बने रहे हमारे साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।